हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं भाई आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होगा। दोस्तों, ये तो मानव सभ्यता की शुरुआत अफ्रीका से हुई थी, लेकिन आज अफ्रीका ही अन्य सभी महाद्वीपों में सबसे पिछड़ा और गरीब माना जाता है। दुनिया के सबसे गरीब देशों की सूची में भी ज्यादातर देश अफ्रीकी महाद्वीप के ही देखने को मिलते हैं। आज अफ्रीका में जितने भी प्राकृतिक भंडार मौजूद हैं, उतने शायद दुनिया के किसी अन्य कोने में नहीं होंगे। एक अच्छी वाइल्ड लाइफ भी अफ्रीका में देखने को मिलती है। एग्रीकल्चर के मामले में भी अफ्रीका के कई देश दुनिया के विकसित देशों से कई बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, और इतिहासकारों का कहना है कि दुनिया भर में ट्रेड की शुरुआत भी अफ्रीका में ही सबसे पहले हुई थी। देखिए, ऐसा नहीं है कि अफ्रीका के सभी देश लाचार और गरीब हैं। आज अफ्रीका काफी तेजी से तरक्की कर रहा है। अफ्रीकी महाद्वीप की ओवरऑल ग्रोथ रेट 4-5% के बीच है, जिसे औसत से बाहर कहा जा सकता है। अफ्रीका में कुल 54 देश आते हैं, और इन सभी देशों की कम्बाइंड GDP फिलहाल $2.6 trillion के आसपास है। ऐसा अनुमान है कि साल 2050 तक अफ्रीका की GDP $29 trillion का आंकड़ा पार कर लेगी। आज की इस वीडियो में हम अफ्रीकी द्वीप के 10 सबसे अमीर देशों की बात करेंगे, साथ ही इन 10 देशों के बारे में कई अन्य जानकारियां भी आपको देंगे, जिससे आपके ज्ञान में काफी वृद्धि होगी। चलिए अब देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। नाइजीरिया। दोस्तों, नाइजीरिया का नाम पहले नंबर पर सुनकर आपको हो सकता है थोड़ी हैरानी हुई हो, लेकिन इस देश के बारे में शायद आप अभी तक ठीक से नहीं जानते होंगे। नाइजीरिया अफ्रीका का न सिर्फ सबसे अमीर देश है, बल्कि सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भी है। नाइजीरिया की GDP 407 बिलियन के आंकड़े को पार कर चुकी है, और बात करें जनसंख्या की तो वर्तमान समय में इसकी आबादी 21 करोड़ से ज्यादा हो गई है। नाइजीरिया रोजाना 1.6 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल का उत्पादन कर रहा है, जो इसे अफ्रीका में सबसे ज्यादा तेल उत्पादन करने वाले देशों की सूची में सबसे ऊपर लाकर खड़ा कर देता है। पिछले एक दशक के दौरान नाइजीरिया ने 6% ग्रोथ रेट के साथ विकास किया है। IT, फाइनेंस, बैंकिंग और इंश्योरेंस जैसे सेक्टर भी नाइजीरिया में अपने पैर जमा रहे हैं, और युवा आबादी दोस्तों बड़ी संख्या में इन सेक्टर्स में अपना करियर बना रही है। नाइजीरिया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर और मजबूत बना रहा है। खेती बाड़ी के लिए नाइजीरिया में उपजाऊ जमीन की कोई कमी नहीं है, और कोकोआ और रबर का उत्पादन भी ये देश काफी ज्यादा मात्रा में कर रहा है। हालांकि पिछले कुछ सालों से भ्रष्टाचार और इन्फ्लेशन के कारण इस देश की GDP ग्रोथ में थोड़ी कमी तो आई है, लेकिन इसके बावजूद ये अफ्रीका के सबसे अमीर देशों की सूची में टॉप पर बरकरार है। इजिप्ट। दोस्तों, प्राचीन समय से लेकर आज तक इजिप्ट की पूरी दुनिया में एक अलग पहचान रही है। इजिप्ट के पिरामिड्स और यहाँ मौजूद ममीज को देखने के लिए हर साल विदेश से लाखों सैलानी आते हैं, और यही वजह है कि आज इस देश में टूरिज्म इंडस्ट्रीज काफी तेजी से फल फूल रही है। इजिप्ट की कुल जनसंख्या 10 करोड़ से भी ज्यादा की हो गई है, और इसकी 50% आबादी आज भी कृषि पर ही आधारित है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर का GDP में योगदान सिर्फ 23% का है। इस देश की टोटल GDP $340 बिलियन है। इजिप्ट क्रूड ऑयल का उत्पादन भी काफी बड़े पैमाने पर करता है। देश में बेरोजगारी दर और पॉवर्टी रेट में गिरावट देखने को मिल रही है। इजिप्ट लगातार अपने विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत कर रहा है। कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट का बिजनेस भी इजिप्ट में तेजी से ग्रो कर रहा है। इन सब के अलावा अपने एजुकेशन सिस्टम और स्वास्थ्य प्रणाली को बेहतर बनाने की दिशा में भी ये देश सराहनीय काम कर रहा है। साउथ अफ्रीका। पूरे विश्व में मिनरल्स का जितना व्यापार होता है, उसमें साउथ अफ्रीका का योगदान 4% है। इस देश में कई प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, जिनमें गोल्ड, डायमंड्स, कोन, वेनेडियम, मैंगनीज, आयरन और कॉपर और टिन शामिल है। साथ ही प्लेटिनम के उत्पादन में भी साउथ अफ्रीका विश्व में पहले नंबर पे आता है। इन सब के अलावा मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल, केमिकल एंड फूड प्रोडक्ट्स के मामले में भी साउथ अफ्रीका तेजी से विकास कर रहा है। आज इंडस्ट्रियल सेक्टर का साउथ अफ्रीका के GDP में योगदान 35% तक पहुंच गया है। साउथ अफ्रीका की नॉमिनल GDP $419 बिलियन है। साउथ अफ्रीका भले ही तेजी से डेवलप कर रहा है, लेकिन दोस्तों साथ ही कुछ ऐसी समस्याएं भी हैं जिनका समाधान इस देश को जल्द ही ढूंढना होगा। पॉपुलेशन ग्रोथ फिलहाल इस देश की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। साथ ही रोजगार के इतने साधन उपलब्ध होने के बाद भी देश की 30% जनता बेहद ही गरीबी में अपना जीवन यापन करने को मजबूर है, और इसकी एक वजह देश में भ्रष्टाचार को भी माना जा सकता है। अल्जीरिया। दोस्तों, अल्जीरिया पूरे विश्व में प्रोपीन, जो एक हाइड्रोकार्बन है, उसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है। हाइड्रोकार्बन के उत्पादन से ही अल्जीरिया की सरकार को 75% कमाई हो रही है। देश की GDP में हाइड्रोकार्बन का योगदान 60% है, और बात करें एक्सपोर्ट्स की तो टोटल एक्सपोर्ट्स में से 95% एक्सपोर्ट सिर्फ हाइड्रोकार्बन का ही किया जा रहा है। आज दुनिया के तमाम विकसित देश हाइड्रोजन को एक फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए अल्जीरिया से हाइड्रोकार्बन खरीद रहे हैं। अल्जीरिया अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे बड़ा देश भी है।
है। इस देश की कुल जीडीपी 168 बिलियन डॉलर्स है और पर कैपिटा के मामले में तो भाई अल्जीरिया अफ्रीका के टॉप 3 कंट्रीज में शुमार है। अल्जीरिया के लोगों की सालाना पर कैपिटा इनकम 4700 डॉलर्स है, जो कि एक काफी अच्छी कमाई है। पिछले 20 सालों में अल्जीरिया ने अपने देश में 20% गरीबी समाप्त कर दी है। मोरक्को। दोस्तों, मोरक्को आज पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। सन 1990 के दशक से ही ये देश शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने की कोशिश कर रहा है और अपने लक्ष्य में वो सफल भी हो रहा है। आज मोरक्को का लिटरेसी रेट 73.75% है, तो वहीं युवा आबादी की लिटरेसी रेट 97% तक पहुँच गयी है। पिछले 3 दशक में मोरक्को ने हर फील्ड में तेजी से तरक्की की है। कोरोना महामारी के दौरान पहली बार मोरक्को को पिछले 3 दशक में मंदी का सामना करना पड़ा है। मोरक्को में फॉस्फेट का उत्पादन भी दोस्तों काफी बड़े पैमाने पर किया जाता है और देश के कुल एक्सपोर्ट में फॉस्फेट का योगदान 40% है। आज मोरक्को की जीडीपी 133 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई है। मोरक्को आज एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री और टूरिज्म सेक्टर तक हर फील्ड में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मोरक्को के लोगों की आमदनी भी बढ़ रही है और अफ्रीका के अन्य देशों के मुकाबले यहां के लोगों के लाइफस्टाइल में भी सुधार आ रहा है। अंगोला। अंगोला अफ्रीकी द्वीप में सबसे ज्यादा मात्रा में तेल का उत्पादन करने वाले देशों की सूची में टॉप 3 देशों में शुमार है। क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल के एक्सपोर्ट के जरिए ही अंगोला अपनी जीडीपी की एक तिहाई कमाई करता है। अंगोला में इसके अलावा कई अन्य मिनरल रिसोर्सेज भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जिनमें आयरन ओर, कॉपर और गोल्ड भी शामिल है। साथ ही इस देश में डायमंड की खदानें भी मौजूद हैं। यानी अंगोला अगर थोड़ा ध्यान दे तो आने वाले समय में अफ्रीका का सबसे ताकतवर और अमीर देश बन सकता है। अंगोला की वर्तमान समय में जीडीपी 124 बिलियन डॉलर्स है, लेकिन पर कैपिटा के मामले में ये देश काफी आगे है। अंगोला में रहने वाले लोग औसत तौर पर हर साल 5000 डॉलर से ज्यादा की कमाई करते हैं। देश की जीडीपी में 40% योगदान एग्रीकल्चर सेक्टर का भी है। अंगोला जिस मुकाम पर है वहां तक पहुंचने में इसे एक लंबा संघर्ष करना पड़ा है। कई सालों तक अंगोला सिविल वॉर की चपेट में रहा है, लेकिन अब ये देश विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। केन्या। दोस्तों, केन्या ईस्ट अफ्रीका का सबसे प्रभावशाली देश माना जाता है। इस देश की अर्थव्यवस्था खेती बाड़ी और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पर आधारित है। कॉफी, टी, मेज, शुगर केन, पोटैटो की पैदावार यहाँ प्रमुख रूप से की जाती है। कट फ्लावर्स का एक्सपोर्ट भी केन्या से बड़े पैमाने पर किया जाता है। केन्या की जीडीपी इस साल 107 बिलियन डॉलर्स के आसपास रहने का अनुमान है। बात करें केन्या की पर कैपिटा इनकम की तो ये 4370 डॉलर्स है, जो अन्य अफ्रीकी देशों के मुकाबले काफी बेहतर है। अपनी वाइल्ड लाइफ और खूबसूरत प्राकृतिक नजारों के कारण आज दुनिया भर के पर्यटकों के बीच केन्या एक आकर्षण का केंद्र बन रहा है। इतिहास के पन्ने पलटकर देखा जाए तो एशिया और अरब के देशों के साथ केन्या काफी व्यापार किया करता था। आज केन्या खाने पीने से लेकर सीमेंट, केमिकल्स और स्टील का उत्पादन और एक्सपोर्ट भी कर रहा है और इंडस्ट्रियल सेक्टर से ही इस देश की 50% कमाई हो रही है। धीरे धीरे सरकार खेती बाड़ी और अन्य क्षेत्रों में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में भी बढ़ावा दे रही है। इथियोपिया। इथियोपिया की जीडीपी ने इस साल 100 बिलियन डॉलर्स का आंकड़ा पार कर लिया है और वर्तमान समय में इसकी नॉमिनल जीडीपी 105 बिलियन डॉलर्स के आसपास बताई जा रही है। इथियोपिया अफ्रीकी महाद्वीप का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, जिसकी जनसंख्या 12 करोड़ से ज्यादा हो गई है। हालांकि ज्यादा जनसंख्या के कारण इस देश के लोगों की पर कैपिटा इनकम में ज्यादा इजाफा देखने को नहीं मिल रहा है। इस साल इथियोपिया के पर कैपिटा इनकम 944 डॉलर्स के आसपास रहने का अनुमान है। इथियोपिया एक लैंडलॉक कंट्री है। पिछले कुछ सालों के दौरान सरकार द्वारा देश में एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए कई नियम लागू किए गए। कुछ सर्वे और रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि आज से 3 मिलियन साल पहले इथियोपिया की जमीन पर ही पहली बार कॉफी बीन्स की पैदावार हुई थी और आज इथियोपिया पूरे अफ्रीका में कॉफी और शहद का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन गया है। मैन्युफैक्चरिंग, टूरिज्म और अन्य संसाधनों के जरिए भी इथियोपिया अच्छी खासी कमाई कर रहा है। साल 2008 से लेकर 2018 तक इथियोपिया की इकोनॉमिक ग्रोथ 9.8% रही है और यही कारण है कि आज बड़ी बड़ी कंपनियां इथियोपिया में निवेश करने के लिए आगे आ रही हैं। टेंजानिया। टेंजानिया दोस्तों अफ्रीका का सबसे अमीर देश होने के साथ साथ 10 सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों की सूची में भी शामिल है। टेंजानिया की कुल जनसंख्या 6,28,00,000 से ज्यादा है। टेंजानिया की गिनती फिलहाल डेवलपिंग कंट्रीज में की जाती है, लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ पर लोअर मिडिल क्लास इनकम वाले हैं। टेंजानिया की अर्थव्यवस्था 70.2 मिलियन डॉलर्स के आसपास है, लेकिन पर कैपिटा इनकम के मामले में टेंजानिया काफी पीछे नजर आता है। इस देश के लोगों की सालाना प्रति व्यक्ति आय 2760 डॉलर्स है। टेंजानिया अपने नेशनल पार्क्स,
और माउंट किलिमंजारो के लिए प्रसिद्ध है और टूरिज्म इंडस्ट्री से भी टेंजानिया को हर साल काफी अच्छा फायदा होता है। हाल ही में माउंट किलिमंजारो के आसपास के एरिया में टेंजानिया की सरकार द्वारा वाईफाई की सुविधा भी प्रदान की गई है। इस देश की जीडीपी का 25% हिस्सा आज भी एग्रीकल्चर से ही प्राप्त होता है। धीरे धीरे कई इंडस्ट्रीज भी यहाँ पर ग्रो कर रही है। नेचुरल गैस, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, वाटर सप्लाई और माइनिंग जैसे फील्ड में भी टेंजानिया आगे बढ़ रहा है। गोल्ड, कॉफी, काजू और कपास का उत्पादन यहाँ प्रमुख रूप से किया जाता है। टेंजानिया में धीरे धीरे गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में भी कमी आ रही है। घाना। दोस्तों, घाना वेस्ट अफ्रीका का एक देश है जो अपने नेचुरल रिसोर्सेज और खूबसूरत बीचेस के लिए जाना चाहता है। घाना आज अफ्रीका के सबसे बड़े एक्सपोर्ट्स में से एक बन गया है। इसकी कुल जीडीपी $72 बिलियन के आसपास है। घाना की जनसंख्या 3,11,00,000 से ज्यादा है और इसकी जीडीपी पर कैपिटा इनकम साल 2022 में $1,980 रहने का अनुमान है। दोस्तों, घाना गोल्ड का एक प्रमुख उत्पादक है। दुबई के साथ कई खाड़ी देशों में घाना गोल्ड का निर्यात करता है। इसके अलावा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, कोकोआ बीन्स, सिगरेट्स, कैंड फिश और प्रोसेस्ड मीट्स का भी घाना बड़ी मात्रा में उत्पादन कर रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2013 के अंत तक घाना अफ्रीका का सबसे अमीर देश बनने की कगार पर था, लेकिन घाना में इसके बाद इलेक्शन का दौर शुरू हो गया और साथ ही महंगाई भी काफी ज्यादा बढ़ गई। घाना में इन्फ्लेशन की दर 10% तक पहुंच गई थी, लेकिन अब घाना धीरे धीरे तरक्की की राह पर चल रहा है। वर्तमान समय में घाना की ग्रोथ रेट 4.1% रहने का अनुमान है। तो दोस्तों, ये थे अफ्रीका के 10 सबसे अमीर देश। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की वीडियो में आपको कौन सा देश सबसे अच्छा लगा। साथ ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के संग, फैमिली मेंबर्स के संग शेयर करें ताकि जानकारी आगे बढ़ सके। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।